हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज चर्चा करनी है मैंने आपसे दो चीजों की। एक रीवैल्यूएशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो थोड़ी सी बात करनी है, और बेटा फिर बड़े क्वेश्चन पे चर्चा करनी है। बेटा एडमिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है वो आज है, ठीक है ना? आज से बेटा ये समझ लेना, आपने देखो छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत पढ़ लिए। बेटा पेपर में रेयरली छोटे कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना? अब बेटा सारे कंसेप्ट को क्लब करने का टाइम आ गया है, ठीक है ना जी? जब हम सारे कंसेप्ट को क्लब कर देंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, वो आता है पेपर में, 8 नंबर है खरे, ठीक है जी? तो बेटा चर्चा उस पे होनी है। एक बेटा रीवैल्यूएशन का छोटा सा कंसेप्ट है, ये एक क्वेश्चन है, उससे क्लियर हो जाएगा बेटा, इस पे चर्चा करके। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 48 करा। चलो जी मान के चलते हैं भाई, हो भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूं एक बार। कहता है अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3-2। उन्होंने चमन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कहता है एट द एडमिशन ऑफ चमन सन्ड्री डेटर एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 76,000 8,000 रेस्पेक्टिवली। 6,000 ऑफ द डेटर प्रूव्ड बैड, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है जी, सामने देखना प्लीज बुक करो। बाबू मुझे ना दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में बेटा, एक तो डेटर्स गिवन है 76,000 और एक बेटा प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 8,000। बाबू पहले तो सामने देखो, इसका मतलब क्लियर करने की कोशिश करो। आप समझते हो बेटा प्रोविजन का मतलब? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन का मतलब समझते हो बेटा? प्रोविजन का मतलब होता है अपने प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लाइबिलिटी। कि मेरे दिमाग में यार ये लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज होने वाली है, तो मैंने क्या किया, पहले से ही प्रॉफिट में से एक अमाउंट को अलग निकाल के रख दिया कि अगर ये लाइबिलिटी हुई तो मैं इस पैसे से मीट आउट कर दूंगा जो मैंने अलग निकाल के रखे, ठीक है जी? और बेटा फिर इसका क्या मतलब हुआ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट? ये तो मैंने जनरल मतलब समझाया प्रोविजन का। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का क्या मतलब हुआ भाई? मैंने ना यार बहुत सारा उधार दे दिया मार्केट में, अब मुझे डाउट हो रहा है यार, जब इतना उधार मार्केट में चढ़ जाता है ना तो पूरे पैसे कभी वापस नहीं आते बेटा मेरे ना दिमाग में, कि ये पूरे पैसे तो वापस आएंगे नहीं। मैंने एक रिटेलर हूं बेटा जो कन्फेक्शनरी बेचता है, ठीक है जी? किसी को 500 उधार दिया, किसी को 1,000 उधार दिया, और आज बेटा जब लेजर उठाया तो देखा उधार लाख रुपए पहुंच चुका है मार्केट में, और मेरा अंदाजा कहता है जब लाख रुपए उधार पहुंच जाता है ना, सब तो वापस नहीं आता, कुछ तो पैसे मरने वाले हैं। मैंने अपने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए अलग निकाल के रख दिए, एक प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कि वहां जब भी पैसे मरेंगे तो मैं इस 5,000 रुपए से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी? मतलब समझ में आया? प्रोविजन का जनरल मतलब समझ में आया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का मतलब समझ में आया। चलो जी बाबू, इस क्वेश्चन में कहता है 5,000 रुपए के, नहीं सॉरी 6,000 रुपए के बैड डेट हो गए। देखो बेटा ये टर्म आराम से पढ़ना। बाबू कहता है एट दैट सॉरी 6,000 ऑफ द डेटर प्रूव्ड बैड, 6,000 रुपए के डेटर बैड हो गए। बेटा मैंने मार्केट में 76,000 रुपए लेने हैं, ठीक है ना? एक पर्सन मैंने जिससे 6,000 देने थे, मैंने उसे कहा ला भैया 6,000 रुपए दियो। कहता मेरे पास तो 1 रुपया नहीं, मैं कंगाल हूँ, पैसे कभी नहीं मिलने इधर। सर उसने क्लियर मना कर दिया, आपके मुंह पे पैसे आएंगे ही नहीं, 6,000 तो खत्म हो गए ना आपके। बेटा दुनिया के सारे लॉस डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। बेटा लॉस है डेबिट होगा, मैंने कर दिया डेबिट, इस लॉस का नाम है बैड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी? बाबू तो क्रेडिट किसको करो बेटा? कैश को मत करना, आपकी जेब से कैश नहीं गया, आपके डेटर्स कम हो गए हैं। मेरा एक डेटर ही तो था जिसने पैसे देने से मना कर दिया, मैं जेब से कैश नहीं गया इस केस में, तो बेटा एंट्री हुई होगी बैड डेट टू डेटर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इस बात में? समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू एक बात सुनना, अब काम की बात बोलने जा रहा हूं बेटा, इस बैड डेट को बुक से खत्म कर दो। बेटा बुक से खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इसको जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट कर दूंगा। अगर बेटा ये प्रोविजन ना होता तो मैं ये एंट्री कर रहा होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 6,000। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह बेटा इस बैड डेट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गया हूं, जो आपने कभी 11th क्लास में बनाया होगा। पीएनएल अकाउंट में आता था ना बैड डेट, बेटा वो इसी एंट्री की वजह से आता था कि बैड डेट होता था, आप दो एंट्रियां करते थे, एक बैड डेट टू डेट और एक पीएनएल टू बैड डेट। ठीक है जी, पर बेटा मैं इस केस में पीएनएल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता। कोई पूछे तो सही क्यों? बेटा अगर आप पूछ रहे हो क्यों, तो बेटा उसका रीजन यह है कि इसका मतलब यह है कि मैं बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दूं 6000 रुपए। बेटा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाऊं, मैंने प्रोविजन बनाया इस दिन के लिए, मैंने प्रोविजन इसे देने के लिए तो बनाया था कि कुछ लोग मेरा पैसा रोकेंगे, कुछ लोग मेरा पैसा मार के भाग जाएंगे, तो मैंने इसलिए तो प्रोविजन बनाया था। बेटा ये प्रोविजन भी प्रॉफिट को कम करके बनाया था, ये प्रोविजन मैंने बनाया था 8000, प्रॉफिट को तो कम करके बनाया था। तो बेटा ये प्रोविजन को धूप देने के लिए तो है नहीं, ये पड़ा बना रहेगा और मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता रहूंगा नुकसान, तो ये करेगा क्या प्रोविजन? यहाँ पे प्रोविजन बैड डेट की वजह से ही तो बनाया था, तो बेटा आज इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत डाल देना। तो बेटा इसका क्या होगा? बेटा इससे मैं सेट ऑफ करूंगा इस सारे लॉस को मैं बेटा प्रोविजन से। बैड डेट को बुक से खत्म कर दो, लेकिन बेटा बुक से खत्म करने के लिए यूज प्रोविजन का करना, क्योंकि बेटा ये प्रोविजन का इस्तेमाल ही यही है, जितने भी बैड डेट होंगे इससे मीट आउट। ठीक है जी, तो बाबू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट मैंने ये एंट्री कर दी। देखो बेटा इन दोनों एंट्री का क्रक्स क्या निकला, जितना बैड डेट डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दिया, तो बुक से खत्म। बाबू इन दोनों के बारे में सोचो, बेटा डेटर 6000 रुपए कम हो गए, मुझे कैसे पता लगा कम हो गए? बेटा डेटर एक एसेट है, डेबिट होता है, अगर मैंने क्रेडिट किया हुआ 6000 कम हो गया ना, मतलब डेटर कितने के बचे? 70 के बचे। ठीक है जी, बेटा प्रोविजन, बेटा प्रोविजन भी 6000 कम हो गया। कोई मुझसे पूछे मुझे कैसे पता लगा? प्रोविजन एक लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट होती है। बेटा अगर मैंने जर्नल एंट्री में डेबिट किया हुआ है, कोई चीज क्रेडिट होती है, डेबिट किया हुआ है, कमी तो कर लिया, यानी कि बेटा इस एंट्री की वजह से मेरे प्रोविजन भी 2000 रुपए के बचे। दोनों एंट्री का कंक्लूजन यही निकला ना, देख लो बेटा इतनी बात क्लियर है तो। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने आपको लास्ट में कहा कि डेटर का 5% प्रोविजन बना दो। बेटा डेटर कितने बचे हैं? 70 का 5% मतलब 3500 का प्रोविजन बना दो, जबकि मेरे पास 2000 का तो अभी भी बचा, मतलब 1500 का और बना दो ना प्रोविजन। सिंपल तो मतलब यही है बेटा, 1500 का और प्रोविजन बना दो। प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी होती है बेटा, क्रेडिट करके ही बनाया जा सकता है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना पेपर में, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है जी, क्रेडिट करके ही बनाया जा सकता है ना, लाइबिलिटी है, बना दिया 1500 का, डेबिट किसको करूं? सर समझदार हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1500। ठीक है जी, आपको बता देता हूं सेम कंसेप्ट है 11th क्लास, सेम 11th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी कराया। ठीक है, बाकी आपको पता भाई कि मैंने कराए हैं कि नहीं, जिसने पढ़ा उसके लिए कराए हैं, जिसने नहीं पढ़ा उसको मैंने कभी कराए नहीं। ठीक है जी, चलो लो बेटा करते हैं बाबू बात आगे की स्टार्ट। बाबू 54 तक मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है जी बाबू, अब चर्चा आगे क्वेश्चन की करनी है। लो पहले बेटा मैं कुछ बात बता दूं फिर शुरू करूंगा चर्चा। क्वेश्चन ये करूंगा बाबू, अभी तक हमने एडमिशन में पढ़ क्या क्या लिया ये समझ लो बेटा। सबसे पहले हमने न्यू पीएसआर की चर्चा करी थी अगर याद हो, ठीक है, फिर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो की चर्चा करी थी याद हो तो, फिर हमने गुडविल की चर्चा करी जिसमें हम बुक गुडविल को बेटा राइट ऑफ करते हैं, बुक से खत्म कर देते हैं। देन बेटा हमने वैल्यूड गुडविल की चर्चा करी जिसके बेसिस पे हम बेटा कंपनसेशन मंगाते हैं पुराने पार्टनर्स के लिए, नया पार्टनर लेके आता है कंपनसेशन, पुराने पार्टनर को कंपनसेशन मिलती है। फिर बेटा हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो बांटना सीखा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। फिर बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटना सीखा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, यही 6 बातें पढ़ी है मेजर तो। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं बेटा एक क्वेश्चन में ये सब कवर होने वाली है, एक ही क्वेश्चन। और बेटा ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में मुझसे क्या करता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाता है, कैपिटल अकाउंट बनवाता है और बैलेंस शीट बनवाता है। ठीक है जी, और कभी कभी बेटा क्वेश्चन मुझे जर्नल एंट्री की भी बात करता है,
बेटा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लो, वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। बाबू ज्यादातर पेपर में ये आएगा, कभी कभी ये भी आता है। बाबू एक बड़ा सिंपल सा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं, हम अपने आप को ना जर्नल एंट्री का इतना हैबिचुअल बना लेते हैं कि बेटा वो ना मतलब हमारी जिंदगी का पार्ट बनने लगता है, ठीक है ना। जबकि बेटा पेपर आपसे चाह रहा है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ये मैंने बैलेंस शीट के आगे गलती से अकाउंट लिख दिया, और बैलेंस शीट बनाओ। सर बच्चा पता क्या कर रहा होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे फटाफट से ना पहले जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं रफ में। क्यों? उनको आदत ही नहीं है कि डायरेक्ट रिवैल्यूएशन कैसे बन जाएगा, हमसे तो बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट कैपिटल कैसे बन जाएगा। वो जर्नल एंट्री करते हैं और फिर बेटा अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। सर समय की इतनी बर्बादी अकाउंट्स के पेपर में, भाई साहब पूरा नहीं करने का पेपर, कोई मोड़ नहीं बना के आपका पेपर नहीं बुरा होगा, लिख के ले लो, ठीक है ना। सर अपने आप को इतना आदि मत बनाओ जर्नल एंट्री का, मैं बिना जर्नल एंट्री के सब अकाउंट बनवाता हूँ, आपको पता भी है, पहले भी बनवाया अभी भी बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इस बार क्या होगा बेटा, इस बार पिछली बार से कुछ मेथड बदल गया मेरा। आज का दिन हम थोड़ा स्लो चलेंगे, पहला दिन है बड़े क्वेश्चन का, आराम से कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। कल का दिन भी स्लो चलेंगे बेटा, लेकिन परसों के दिन हम 2 से 2.5 घंटे यहाँ बैठेंगे और 10 से 12 क्वेश्चन यहीं बैठ के करेंगे एडमिशन के मेरे सामने, मैं सिर्फ प्रॉब्लम सुनूंगा, ठीक है नहीं। वो सभी बच्चे करेंगे ताकि मेरे को तो तसल्ली रहेगी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं होमवर्क चेक कर रहे इतना टाइम नहीं लग पाता भाई रिवीजन मैच में, मेरा मन करता है कि यार मैं जितनी देर में 15 बच्चों को होमवर्क चेक करूं इतनी देर में तो मैं पता नहीं क्या क्या करा दूंगा, ठीक है जी। अब वो मेरी तसल्ली के लिए आप करोगे, ठीक है जी, सैटरडे को परसों। बाबू अब एक बात सुनना, जितनी भी बातें आपसे सॉल्यूशन में मांगता है, मान लो आपको कहता है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो बेटा ये तो मैं बनाता हूँ फेयर सॉल्यूशन में। लेकिन बेटा अगर मान लो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ी उसके लिए, तो बेटा जहां इन तीनों का सॉल्यूशन खत्म होगा वहां मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर करूंगा, वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो निकालूंगा। मान लो क्वेश्चन मुझे कहता है फेयर सॉल्यूशन में प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, और मुझे किसी तरीके से कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि बैलेंस शीट बिना क्लोजिंग कैपिटल के नहीं बन सकती, तो बेटा मेरे को अगर ये बताना भी पड़ रहा है तो मैं कहां बनाऊंगा बेटा, वर्किंग नोट्स में बनाऊंगा। यानी कि जो जो क्वेश्चन मांगेगा वो फेयर सॉल्यूशन का पार्ट है, जो क्वेश्चन नहीं मांगेगा लेकिन उसकी जरूरत है उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता वो वर्किंग नोट्स का पार्ट है, ठीक है जी। आज पता लग जाएगा रात क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, ठीक है जी। अब बेटा बहुत कुछ सीखना है आज, जल्दी नहीं मचानी, एक ही क्वेश्चन करना है बस आज, बस एक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत तसल्ली के साथ, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है जी, पढ़ते हैं बेटा। कहता है बेटा बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31st of March 2016 इज गिवन बिलो। बेटा मधु और विधि दो पार्टनर है, ओल्ड बीएसआर इज 2:3 और उनकी कुछ बैलेंस शीट ऐसे ऐसे। बेटा बैलेंस शीट पढ़ते टाइम दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए एक बैलेंस शीट कितनी इन्फो देती है। मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट कितनी इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहले बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल पता लगेगी, पहली चीज। दूसरी चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 5 नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। पहली चीज क्या पता लगेगी, ओपनिंग कैपिटल। दूसरी चीज क्या पता लगेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरी चीज क्या पता लगेगी, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है तो। वो कहां पता लगेगी, एसेट साइड। चौथी चीज पता लगेगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, 2 नाम है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पांचवी चीज पता लगेगी कैश या बैंक, एक कैश या बैंक है मैं अभी बता दूंगा, 5 मिनट दे दूंगा मुझे, पर बातें 5 पता लगेंगी, ओपनिंग कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, कैश या बैंक, ठीक है। सबके कराने का टीचर का, हर टीचर का कराने का तरीका अलग है, सब बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन बेटा इस चैप्टर के लिए मैं पक्का बोल रहा हूं, मेरे को फॉलो करके देख लो, यू कांट रिग्रेट, रिग्रेट नहीं कर पाओगे कभी इस चीज को, ठीक है ना जी। चलो बाबू चर्चा करते हैं, मधु की कैपिटल दी हुई है बेटा 5:20 और बेटा विधि की कैपिटल है 3 लाख, जनरल रिजर्व है 30,000 का, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। किसमें बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है,
ठीक है जी, आगे बढ़ो। बिल्स पेबल है, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन और बैंक बैलेंस। सर मैं क्यों कह रहा था कि पांचवी चीज है कैश या बैंक, सुनना बाबू। आगे हम क्वेश्चन बढ़ेंगे, नई पार्टनर है गायत्री आई हुई है, खैर इस क्वेश्चन में वो कैपिटल की भी अमाउंट और गुडविल की भी अमाउंट कैश में लाई हुई है। बेटा अगर किसी क्वेश्चन ने ये कह दिया कि गायत्री एक नई पार्टनर आई, वो कैपिटल लाई, वो गुडविल लाई, ये नहीं बताया कैश लाई या बैंक लाई, तो बेटा बैलेंस शीट में ऊपर नजर उठा लेना। अगर यहां बैंक बैलेंस दिया होगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा बैंक से, अगर यहां कैश दिया होगा तो मैं मानूंगा कैश लाई होगी। अगर दोनों दिए होंगे तो बेटा आपकी मर्जी है, कैश मानना कैश मान लो, बैंक मानना बैंक मान लो, मैं हमेशा बैंक मानता हूं, ठीक है जी। लेकिन एक बार ध्यान रख लेना, जैसे क्वेश्चन में कहा देखो गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, अगर उसने कह दिया ना कैश लाई, तो सर आपकी और मेरी कोई मजाल नहीं है कि हम बैंक से कर दे क्वेश्चन, उसने क्या कहा कैश लाई। क्वेश्चन इज सुप्रीम, वो साइलेंट रख देता इस बात को, प्रीमियम पे फुल स्टॉप होता, तो मैं कैसे मानता कैसे आया बैंक के थ्रू, क्यों माना क्योंकि क्वेश्चन में बैंक था पहले, ठीक है जी। आकाश भाई बहुत बात क्लियर हुई आपको, चलो जी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से। मधु और विधि ने डिसाइड किया कि गायत्री को एडमिट करेंगे नए पार्टनर के तौर पर 1 अप्रैल 2016 को और उनकी नई पीएसआर होगी 235। काम की बात बेटा, मुझे पूरे एडमिशन के क्वेश्चन में नई पीएसआर का कुछ करना ही नहीं होता, नई पीएसआर मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल सकूं। मुझे क्या करना नई पीएसआर का बताओ, आज तक मैंने नई पीएसआर में कुछ बांटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, कुछ बांटा इन तीनों में से? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, गुडविल सैक्रिफाइजिंग रेशियो, मैंने न्यू रेशियो में आज तक क्या बांटा? कुछ भी नहीं। तो मुझे क्या करना न्यू रेशियो का? कुछ भी नहीं करना। तो चलो इसने निकाल के दे दी, चलो बस ये इस काम आ जाएगी कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकल जाएगी, ठीक है जी। बढ़ाते हैं बात को आगे, कहता है फर्म की गुडविल 3 लाख है, बहुत अच्छी बात 3 लाख है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहता है 26,000 रुपए से कम दिखाई हुई है, अंडर वैल्यूड है 26,000 से, ठीक है जी। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेट, बेटा कितना बनाना है प्रोविजन? कहता है डेटर का 5% तक पहुंचा देना, डेटर 3 लाख के हैं तो बात अलग है कि आप ढंग से नहीं पढ़ते, प्रोविजन 10,000 के हैं, डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, डेटर 3 लाख के हैं, 5% मतलब 15,000, अभी कितना बना है 10,000, मतलब 5,000 का प्रोविजन और बनाना, ठीक है आगे बढ़ो। कहता है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कहता है 6,000 का क्लेम है, वर्कर को चोट लगी हुई है, बेटा क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं है, तो मतलब 6,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, सीधे सीधे सी बात, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्रिएट कर दो, रिवैल्यूएशन से क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है क्या मांगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सर ठीक है बहुत अच्छी बात। अच्छा कितनी तसल्ली से बड़ा क्वेश्चन, कोई जल्दी करी सर, पेपर में यही 5 मिनट लगेंगे। मैं कहता हूं अकाउंट्स की ना, मतलब मुझे अगर तुम चाहते हो ना 1% भी कॉपी करना तो बस मेरे रीडिंग स्किल्स सीख लो, क्वेश्चन तो सभी कर देते हैं भाई, मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी अकाउंट्स रीड करता हूं, रीड करना सीखो क्वेश्चन को, तो तसल्ली के साथ इतनी क्या बढ़ दबड़ है, ओपनिंग कैपिटल बड़ी फटाफट से चिपका दी, अरे इतनी क्या जल्दी है, क्वेश्चन ही पूरा होगा क्या तुम्हारा, ठीक है ना, तो तुम्हारा पेपर छुड़वा देगा कोई टीचर, तुम्हें भ्रम है। एक बच्चा इस क्वेश्चन को ना, मतलब सच बता रहा हूं, किससे पूछ के देख लेना, अपनी कंपेनियन से आधे घंटे से कम में नहीं करेगा, मैं तुम्हारे से 10 मिनट में कराऊंगा क्वेश्चन, इतनी स्पीड तो तुम्हारी बना दूंगा, तुम्हें लगता है तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, सब किसी भी उंगालते मत रहना, 5 मिनट फालतू का छड़ना पड़ने में पेपर नहीं छूटेगा, ठीक है इतनी स्पीड बन जाएगी, ठीक है ना। मैं बच्चों के हालात बताऊंगा ना तुम्हें, तो पहले वो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता है, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ के, पहले वो पूरा क्वेश्चन पढ़ता है, देखते हैं रिवॉल्यूशन की क्या क्या बात है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएगा, फिर लिखता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर पढ़ता है क्वेश्चन क्या क्या पार्टनर कैपिटल की बात है, फिर पढ़ता है क्वेश्चन फिर बैलेंस शीट, अबे तूने 3 बार तो क्वेश्चन पढ़ दिया, इससे बढ़िया एक बार मेरे तरीके से तसल्ली से पढ़ ले, एक ही बारी में पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलो जी बाबू फॉर्मेट आपको पता है, मैं फॉर्मेट रेडी कर देता हूं,
रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है बेटा, दिखने में कोई भी अकाउंट टी शेप होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, बताया हुआ है बेटा। पार्टनर कैपिटल में ना जितने पार्टनर होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है, यानी कि तीन पार्टनर है यहां पर, मधु, विधि और गायत्री, बेटा एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा पर्टिकुलर्स, पर थोड़ा कॉलम लंबा छोड़ा बनाना क्योंकि यहां बहुत सारी बातें लिखनी पड़ेंगी ठीक है। सेम वे मधु, विधि और गायत्री, तीन पार्टनर और ये कॉलम पर्टिकुलर का ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है देखो, आपको ही पता है मुझे मैनेज करना पड़ेगा, आप बिल्कुल तसल्ली से बनाना। और बैलेंस शीट ये क्वेश्चन है मुझसे मांगा ठीक है। क्वेश्चन शुरुआत करने का तरीका क्या है बेटा, ऑलवेज स्टार्ट्स विद बैलेंस शीट, पहले बैलेंस शीट में जितनी इंफॉर्मेशन है उसे खाली करो, ओवरिंग कैपिटल लिखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटो, गुडविल को राइट ऑफ करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को बांटो, फिर क्वेश्चन की बाकी बातें शुरू होगी ठीक है। सर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, सर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा क्रेडिट, ये है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ही लिखना, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन बेटा। मधु की ओपनिंग कैपिटल 5,20,000, विधि की 3,00,000 मैंने लिख दी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। फिर है जनरल रिजर्व 30,000 का बाबू। अब देखो अगर सोचना है, शुरू में परेशानी होगी पक्की बात है ठीक है ना, सोचना है मन में सोचना है, अब मैं आपको वही सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लिखना चाहूं एक सेकंड में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं भाई। जनरल रिजर्व है 30,000 रुपए का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बैठेगा, कहां पर दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड दिखाया हुआ मतलब क्रेडिट है, बुक से खत्म करते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, डेबिट करके, कुछ चीज क्रेडिट है डेबिट करके खत्म कर सकते हैं। तो मैंने एंट्री क्या की होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो मधुस कैपिटल अकाउंट, तो विधिस कैपिटल अकाउंट 30,000 को बांटा होगा 2:3 में, यानी कि 12 और 18, कोई दिक्कत तो नहीं, सोच पा रहे हो। अब आप अगर जनरल एंट्री दिमाग में है कि जनरल रिजर्व डेबिट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में किस साइड है, ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, लेकिन नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का आएगा, और सामने लिखा है जनरल रिजर्व, तो आपने लिखा यहां बाय जनरल रिजर्व, कितना कितना बांट दिया 12 और 18, ऐसे ही बटा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो चीज को ठीक है, पक्का से देख लो, इतनी बात में जल्दी नहीं है मुझे कुछ ठीक है। और अगर देखो सोचना चाहते हो जनरल एंट्री नहीं चाहिए, तो आपको पता ही है मैं सब सोचता हूँ, तो जनरल एंट्री नहीं चाहिए, मैं कोई सोच, मेरी सोच कोई जनरल एंट्री की मत आ जाए भाई, जनरल रिजर्व बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना, कैपिटल क्रेडिट होती है, बढ़ानी है क्रेडिट करके बढ़ी जा सकती है, करो क्रेडिट, मैं बोला जनरल एंट्री का मोहताज बैठा हूं ठीक है। दूसरी बात सर, किसी भी चीज के दो इंपैक्ट होते हैं, मैंने क्रेडिट साइड तो लिख दी जनरल एंट्री की, डेबिट लिखनी है, देखो अगर लिखने का शौक चढ़ा है, यहां लिखो जनरल रिजर्व पहले था 30,000 का, मैंने डेबिट कर दिया तो खत्म कर दिया, माइनस कर दो 30,000 का तो बचा 0, तो छोड़िया मत ही लिखो, जनरल रिजर्व 0 हो गया ना, इसलिए मैं डेबिट साइड लिख ही नहीं रहा, क्लियर है बेटा बात ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था क्वेश्चन में, नहीं था, गुडविल थी मतलब बुक गुडविल नहीं थी, पक्का ना, चलो जी। अब गायत्री एडमिट हो गई, नई पीएसआर डिसाइड हुई 235। अब एक मिनट प्लीज मेरी तरफ देखना, यहां मैं कंसेप्ट का यूज कर दूंगा मजा आ जाएगा बाबू। मधु और विधि, अब मैं वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट ठीक है, वर्किंग नोट पूरा लिखना आप, मैं तो रिवीजन बैच के हिसाब से ठीक है बाबू। मधु, विधि और नई पार्टनर गायत्री एडमिट हुई, ये नई रेशो दे दिया क्वेश्चन ठीक है बाबू। क्या इस्तेमाल है नई रेशो का, फटाफट से बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, इसके अलावा मुझे किसी और काम के लिए चाहिए, नहीं चाहिए। अब देखो मैं बताता हूं, अनाड़ी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, खिलाड़ी समझदार है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 2:3 होगी, कोई मुझे बताएगा क्यों। सर मैंने ना एक बात सिखाई थी,
अगर लेट दैट लेट वाला क्वेश्चन होता है, लेट द टोटल शेयर भी वन जिसमें हम मानते हैं, उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, जो ओल्ड रेशो आती है वही नए पार्टनर्स की न्यू रेशो भी होती है। यहां इसने मुझे नई रेशो दी पर मुझे दिखाई दे रहा है नए पार्टनर की नई रेशो इसने उतनी ही दी जितनी बेटा ओल्ड रेशो है, यानी कि ये क्वेश्चन कुल मिला के लेट वाला ही क्वेश्चन है। और ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो की सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, याद आई बात, कुछ बात याद आ रही है बेटा? याद कर लो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, लेट द टोटल शेयर बी वन मान के, बेटा नए पार्टनर जो सॉरी ओल्ड पार्टनर की नई रेशो भी उतनी आती है जितनी उनकी ओल्ड रेशो होती है, यही समझाया था ना आपको। देख लो अगर इनकी ओल्ड रेशो 2:3 थी, नई भी तो 2:3 है इनकी, यानी कि क्वेश्चन था ही लेट वाला, इसने जबरदस्ती नई रेशो निकाल के दे दी मुझे। ऐसे केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या आएगी बेटा, ओल्ड रेशो ही आएगी। देखो अगर ऐसे कंसेप्ट दिमाग में तो टाइम बहुत बचेगा, नहीं बेटा बचा नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना इतना सा भी डाउट है दिमाग में कि 2:3 आएगी कि नहीं आएगी, सर बचाना मत टाइम, क्योंकि कन्विक्शन सबसे अच्छी चीज है जिंदगी में। अगर आपको कन्विक्शन ही नहीं, आपको विश्वास ही नहीं है, सर आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, दिमाग में डाउट ही घूमता रहेगा, अगला स्टेप करोगे तब भी रहेगा 2:3 थी क्या, तो सर डाउट के साथ क्यों आगे बढ़ना, निकाल के देख लो ठीक है, आएगा 2:3 ये मैं तसल्ली दे रहा हूं फिलहाल आपको, ठीक है। चल बाबू नई पार्टनर गायत्री एडमिट हुई, रेशो की बात जो करनी थी मैंने कर ली, 4 लाख रुपए लेकर आई कैपिटल के और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आई इन कैश, इन कैश सर कैपिटल लेके आई 4 लाख, जनरल एंट्री सोचो फटाफट से, कैश में लाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल, ठीक है डबल पोस्टिंग कर दू, कैश अकाउंट डेबिट किया 4 लाख रुपए से, बाबू एसेट साइड में मैंने लिख दिया कैश आ गया 4 लाख, कैश आ गया 4 लाख। दूसरा क्या है एंट्री, कैश टू गायत्री कैपिटल, गायत्री का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं ना मैं जी, बना रहा हूं ठीक है, गायत्री कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड है ना, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखना, सामने लिखा हुआ है बाय कैश 4 लाख डबल पोस्टिंग डन, ठीक है जर्नल एंट्री सोचनी है तो मन में सोचनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात गुडविल लेकर आई नेसेसरी, सर अगले स्टेप में कहा गया था कि गुडविल फॉर्म की 3 लाख है, मैं दिखा दूं ताकि आपको ये ना लगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन रट जाते हैं जल्दी से, गुडविल 3 लाख है ठीक है बाबू, फॉर्म की गुडविल है 3 लाख मत मंगा लेना उससे, गायत्री का शेयर कितना है 5/10 1.5 लाख मंगा लो, गायत्री 1.5 लाख लाई होगी कैश, एंट्री क्या हुई होगी लाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सर पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश डेबिट हुआ 1.5 लाख का कैश आ गया ठीक है, पहली एंट्री में क्रेडिट साइड क्या है टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री में डेबिट क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो बेटा पहली एंट्री का प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री का प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो गया, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं नहीं लिखना, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि सच में एंट्री हुई होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू मधुस कैपिटल अकाउंट टू विदिश, दोनों ने सैक्रिफाइस किया 2:3 में, ठीक है मधुवर कैपिटल अकाउंट मधुवर विधि का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बना रहे हैं जर्नल एंट्री में किस तरफ लिखा है क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा सामने वाली साइड का, सामने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल, 1.5 लाख रुपए को बांट दो किस रेशो में 2:3 यानी कि 60 और 90 ठीक है जी, मैंने बांट दिया बेटा 60 इसको मिल गए 90 इसको मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी जरूरी होती है ये जर्नल एंट्री की, करोगे नहीं क्वेश्चन नहीं होगा, हो नहीं रहा बता दो, हो नहीं रहा तो बेटा उसके बाद था शायद लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से अंडर वैल्यूड है, कम दिखाई हुई है तो सर बढ़ा दो एसेट्स है, बढ़ाने के लिए क्या करूं डेबिट कर दो, तो मैंने एंट्री की होगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन सुनो एंट्री क्या हुई लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, मैंने भी सिर्फ क्रेडिट साइड को सोचा, डेबिट को भी सोच लो, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट भी तो किया 26,000 से, बाबू
26,000 से डेबिट किया, इधर देखो सामने बाबू लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 3,00,000 किया है, वो बात अलग है कि आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये देखो कितने किया, 3,00,000 किया बाबू। पहले से लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है 3,00,000 की, मैंने क्या किया बेटा 26,000 से और बढ़ा दिया, यानी कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़कर कितनी हो गई 3,26,000। ये मैंने डेबिट साइड पोस्ट कर दी और ये नहीं मैंने क्रेडिट साइड जनरल एंट्री की दोनों साइड पोस्ट कर दी। मैंने क्या किया लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवेल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट भी किया ना, एसेट है बढ़ाया ना मैंने, 3,00,000 की पहले से थी पुरानी बैलेंस शीट में, 26 मैंने और बढ़ा दिया। डेबिट साइड की बात खत्म, क्रेडिट साइड में क्या लिखा है टू रिवेल्यूएशन, मैं उसका अकाउंट बना रहा, तो रिवेल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिख दिया, डन पक्का से। नेक्स्ट एंट्री कहता है डेटर का 5% प्रोविजन बना दो, डेटर 3,00,000 है, प्रोविजन है 10,000 का, बेटा 5% बनाना है, 3,00,000 का 5% मतलब 15,000, 10 का पहले है, 5 और बना दो, देख लो बाबू जल्दी कुछ नहीं है, पहले ये पढ़ लो डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है और ये देख लो डेटर 3,00,000 का है, 3,00,000 का 5% 15,000, 10 का पहले 5 का बनाना, 5,000 का और बनाए, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, बनाया कैसे जा सकता है क्रेडिट करके, तो डेबिट किसको करोगे बेटा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आएगा, मैंने लिख दिया टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट 5,000, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बाबू। सामने क्या लिखा आपने टू प्रोविजन, प्रोविजन को 5,000 रुपए बढ़ाया है, ठीक है मतलब प्रोविजन अब कितने का हो गया, पहले 10 का था 5 का बढ़ गया 15, ये लो बाबू मैंने लिखे डेटर पड़े हुए हैं मेरे पास 3,00,000 के, अब प्रोविजन कितने का हो गया 15,000 रुपए का हो गया, 10 की जगह 5 का मैंने बढ़ा दिया, तो डेटर कितने के हो गए 2,50,000, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बाबू। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल उठ सकता है, अभी तो आपने बताया था प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, तो बाबू लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड दिखाना है, मैंने तो सही दिखा रखा, आप कहोगे एसेट साइड दिखा रखा डेबिट साइड, बेटा माइनस में दिखा रखा, अगर कोई चीज डेबिट में माइनस हो रही है मतलब वो ऑलरेडी क्रेडिट है, ठीक है गुड मॉर्निंग, ठीक है बाबू। कहता है लास्ट बात, कहता है क्लेम है एक वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000, बाबू अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो पहले वहां से 6,000 आते हैं, पर वो है ही नहीं तो कहां से आएंगे सारे पैसे, रिवैल्यूएशन से, तो बेटा रिवैल्यूएशन से एक लाइबिलिटी मेट आउट करनी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हुई होगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इनाम है लाइबिलिटी का, तो डेबिट किसको करो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, कोई दिक्कत तो नहीं, पर बेटा जर्नल एंट्री की डबल साइड पोस्टिंग करना, मैं आपको बच्चे की गलती बता देता हूँ, मैंने एक साइड पोस्ट कर दी दूसरी साइड मैंने सोचे नहीं, कोई नहीं मैं 2 मिनट बाद दे, अबे 2 मिनट बाद तुझे तो बेटा याद ही नहीं आने का पूरे पेपर, 2 मिनट बाद तो छोड़ दे, तो बेटा कोई भी जर्नल एंट्री सोचो कि फटाफट दोनों साइड पोस्ट कर देना। अब जैसे मैंने करा रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिवैल्यूएशन में पोस्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी बनाई है, रिकॉर्ड करना मत बोलना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बना दी कि वर्कमैन को 6,000 रुपए देने, ठीक है डेबिट और क्रेडिट इक्वल, फटाफट से पोस्ट कर, ठीक है जी चलो जी बाबू करो पैकअप। पैकअप कैसे होता है, सब कुछ करने का, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करो, फिर ये बंद करो, फिर बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट मिल गई तो क्वेश्चन 99.99% ठीक है, ठीक है जी ओके बात कर दें सॉल्व। चलो अब सामने देखना बाबू, मैंने टोटल कर दिया रिवैल्यूएशन का, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, इसका टोटल करा रफ, इसका टोटल करा रफ, जो ज्यादा दोनों तरफ लिख दिया, इस तरफ बैलेंस आ गया, सर याद है कल बैलेंस ऐसे ही सिखा रहा था, बैलेंस आ गया बाबू, किसमें बांट दू, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मधु और विधि में बट जाएंगे 15,000, 6 और 9, 2:3 है ना, ठीक है बेटा। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, यहां लिखा हुआ है मैंने टू मधुस कैपिटल टू विधिस कैपिटल, और मैं उनके कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, अब बेटा मधु और विधि के कैपिटल में तो आएंगे ये, अब ये नियम भी समझ लो बेटा, एक लेजर से अगर मैं किसी चीज को दूसरे लेजर में ला रहा हूं
तो उसकी दो शर्तें होती हैं। साइड बदल दो, ये टू साइड लिखा है तो ये कहां जाएगा, बाय साइड जाएगा। साइड बदल दो पहली बात, दूसरी बात नाम अकाउंट का आएगा, ये मत लिख देना भाई मधुस कैपिटल भाई विदेश कैपिटल, उन्हीं के कैपिटल अकाउंट में उन्हीं का नाम, तुम्हें कुछ नहीं आता फिर। तो नाम किसका आएगा, पहले साइड बदलो, नाम अकाउंट का आएगा, यानी कि मैं लिखूंगा भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,600 13,900। ठीक है जी, डन बाबू, करो इसको, अकाउंट को बंद करो बेटा। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, बेटा इस तरफ तो 000 है तो यही हाईएस्ट है जो भी है बाबू, इस तरफ तो 4,00,000 ही है, 3,90,000 और 27,000, 4,17,000, ये 598 होगा, और बैलेंस शीट का टोटल होगा 15,71,000। चलो बेटा हाईएस्ट टोटल मैंने लिख दिया, क्या नाम लिखूंगा यहां पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर बाय साइड भी आता तभी ये लिखता बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा मैंने बैलेंस लिख दिया जो जो भी आया, अब क्या करूं सर, दो अकाउंट बंद हो गए, इसका प्रॉफिट या लॉस इसमें बटा, इसका जो बैलेंस आया ये जाएगा हमारी बैलेंस शीट में, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल है मधु विधि और गायत्री की 598,417,000 और बेटा 4,00,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, कर लो इसका टोटल जो भी है। ठीक है, 14,15,000 रुपए। बेटा अब एक बात सुनो, क्वेश्चन आपका अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी बात बेटा, बैलेंस शीट में अब उन एसेट्स उन लाइबिलिटी को भी लिख देना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, जो एज इट इज चली गई, जो पुरानी बैलेंस शीट में थी एज इट इज नई बैलेंस शीट में चली गई, जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं। चलो जी पढ़ते हैं बाबू, बिल्स पेबल है मुझे पता है, लो मधु की कैपिटल विधि की कैपिटल, ये पुरानी कैपिटल है, मैं तो नई भी लिख चुका हूं, ये तो छोड़ दो, जनरल बुक से खत्म हो चुका है छोड़ दो, बिल्स पेबल 1,50,000, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, चिपकाओ बिल्स पेबल 1,50,000। ठीक है, एसेट्स पढ़ो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग में दिखा चुका हूं, 26,000 से कम दिखाई हुई थी ठीक करके मैंने दिखा दी, मशीनरी 280 मैंने नहीं दिखाई, स्टॉक 80 मैंने नहीं दिखाया बेटा, मशीनरी को रिकॉर्ड करो 280, स्टॉक को रिकॉर्ड करो 80,000। आगे बढ़ो जी बेटा, डेटर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, बैंक बैलेंस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया 50,000 बेटा, बैंक बैलेंस रिकॉर्ड करो 50,000 बेटा, बैलेंस शीट का टोटल कर लेना 15,71,000 टोटल आएगा, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो, आपने ठीक किया तो बराबर। ठीक है जी, इतना सिंपल है, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं आता आ जाएगा, ठीक टेंशन है तेरा पक्का बाबू। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन 20 मिनट है, कोई भी एक मिनट भी खराब करने का नहीं एडमिशन चैप्टर में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहां करके दिखा दो, छोटा सा ही क्वेश्चन। हां जी बहन, अच्छा 18 है देख लिया मैंने, चल इसमें नहीं दिया हुआ, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, बस मेरे को पार्टनर के नाम बता, LNNS है, 5:3 है उसका 60%, ठीक है चलो मैं बताऊं, लो जी बाबू एक लाया, चल मैं इवेंट स्क्रीन पे लेऊंगा, तो एक सेकंड पोस्ट करता बाबू, एक बार ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ देते हैं, कहते हैं LRM पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, इस इलस्ट्रेशन में लगभग हर बच्चा फंसता है पहली बार में। ठीक है जी बाबू, LRM पार्टनर है, पुरानी PSR है 3 और 5, कहते हैं दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन शैल बी सेम एट एस एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एन। बेटा उन्होंने एक नए पार्टनर एन को एडमिट किया और ये डिसाइड हुआ कि M और N के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगी जो L और M के बीच में। अच्छा जी,
कहता है कैलकुलेट करो नई पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा दो सुनो सामने देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था और तो मेरे को तो याद था लगभग लगभग। एल और एम के बीच पीएसआर कितनी है 5:3। कहता है इन्होंने एक नए पार्टनर एन को एडमिट करा और डिसाइड ये हुआ जैसी रेशो इन दोनों के बिटवीन है वैसी रेशो इन दोनों के बिटवीन भी हो जाए। यही बात हुई ना, ठीक है, जैसी रेशो इन दोनों के बिटवीन है वैसी रेशो इन दोनों के बिटवीन हो जाए। यही बात है ना बेटा बाबू। अब बाबू यही करना है आपको, इतना देखो परेशान होने की जरूरत है, बहुत इजीली निकल सकता है। ठीक है देखो मैथ्स वाले तो ऐसे एक सेकंड में सोच सकते हैं। बेटा अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि एल और एम के बीच रेशो कैसी है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं एम को एल का 60% मिलता है? कैसे पता लगा 60% मिलता है बाबू? 3:5 का 60% नहीं है, ठीक है नहीं सोचा जा रहा, इतनी ही टेंशन है। एम को क्या मिलता है 3/8, एम को क्या मिलता है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100। रिलेशनशिप निकाल दो बेटा एम और एल के रेशो की, 8 से 8 कैंसिल कितना आ गया 60%। आपने क्या कहा जैसी रेशो इन दोनों के बिटवीन है वैसे आप चाहते हो ना इन दोनों के बिटवीन, तो इसका 60% ही तो मिलेगा इनको बेटा। 3 का 60% इज 1.8, सोच लो यही मतलब है ना इस बात का। सिर्फ सामने देख रहा है, तेरे को पता है इस बात का कि क्या चल रहा है, और या व्यास तो या देते तो आप बता दो मैंने क्या बताया अब तक। अच्छा फिर बाबू एल और एम के बिटवीन क्या रेशो है 5:3, ठीक है, और आप चाहते हो बेटा जो रेशो इनके बिटवीन है वही एम और एन के बिटवीन, यही चाहते हो ना। तो बेटा सबसे पहले मैंने ये देखा कि इन दोनों के बीच रेशो है किस हिसाब से, ठीक है बेटा, इसको मिलता है 3/8, इसको मिलता है 5/8, ठीक है 3/8 5/8 का कितना परसेंट है मैं ये निकालना चाहता हूं, ठीक है 3/8 डिवाइडेड बाय 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 8 से 8 कैंसिल कैलकुलेट कर लिया इट इज 60%। बेटा जब M को 60% मिलता है L के कंपैरिजन में, आप सेम ही तो रेशो चाहते हो और M और N के बीच, तो इसका 60% ही तो मिलना चाहिए M को। बेटा मैंने 3 का 60% निकाल दिया, 3 का 60% 1.8 होता है, पर बेटा रेशो को पॉइंट्स में छोड़ा जाता है क्या? नहीं, फुल फ्लैच बना लो इसको, ठीक है जी। देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेशो क्या आ गई 25, 15 और 9। न्यू रेशो आपके सामने है, सैक्रिफाइसिंग निकाल ले। एक बात, दूसरी बात बेटा, बच्चा कई बार मेरे को कहता है कि मुझे कैसे पता लगेगा 5 से मल्टीप्लाई करके कि रेशो हाँ होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, हमेशा बच्चा मुझसे क्वेश्चन करता है। ठीक है भाई देखो मेरी मैथ्स ठीक ठाक है, सब नहीं सोच सकते ना सोचो, अरे भाई ये तो पता कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगी, तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो टेंशन ना लो, क्या आएगा 50, 30, 18 कैंसिल कर लो 2 से, तब भी तो बात वही पड़ी, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं। एक डिजिट के बाद पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 के बाद 100 से कर लो, ठीक तो हो ही जाएगी, ठीक बढ़िया इलस्ट्रेशन है ना, पेपर में आता है बहुत बार ऐसा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं, आज करने का तो यहाँ कोई टाइम नहीं बचा, लेकिन आप 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे, सिर्फ 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन, 158 इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, 59 में तो 158 बताया ना मैंने, 158 कर रहा हो, 155 कर रहा हूं, 55 एंड 58, ठीक है आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय बाय।